में क्या पढ़ा था? तो हमने अपनी पिछली क्लास में टिश्यू के बारे में समझा था ना। और उसमें हमने क्या समझा था? उसमें हमने समझा था कि टिश्यूज क्या होते हैं, याद है आपको कुछ? उसमें क्या हुआ था कि टिश्यूज जो हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, है ना। जब बहुत सारे सेल्स एक जगह आके ग्रुप बना लेते हैं और फिर वो एक ही तरीके का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, एक ही तरीके के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, उस ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं, है ना। और जो ये टिश्यू है इसको हमने क्लासिफाई किया था, और किसमें क्लासिफाई किया था? फर्स्ट एनिमल टिश्यू एंड देन प्लांट टिश्यू, है ना। और प्लांट टिश्यू को फिर हमने किसमें फर्दर डिवाइड किया? प्लांट टिश्यू को हमने फर्दर डिवाइड किया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो ये सारी चीजें तो हमने अपनी पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझ ली है। लेकिन अगर आपने वो क्लास मिस कर दी है तो आप क्या करोगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां पर जाकर उसको चेक कर लेना, क्लियर। तो अब तो आपको पता चल गया कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में, जो कि टिश्यू के अंदर आता है, क्लियर। अब हमने जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था उसके बारे में तो हमने बहुत अच्छे से समझा है ना। क्या होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जिनकी सेल हमेशा डिवाइड करती रहती है, है ना। ये तो बड़ा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो सेल है वो हमेशा डिवाइड करती है, और वो क्या हेल्प करती है प्लांट के लिए, वो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती है, ये तो पढ़ा था। और उसमें हमने क्या समझा था, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की सेल्स होती हैं वो कहाँ होती है, वो रूट के टिप पे होती है और स्टेम के टिप पे होती है, और वहां पर जब वो डिवाइड करती हैं तो क्या होता है, रूट की भी लेंथ बढ़ती है और शूट माने स्टेम की भी लेंथ बढ़ती है। तो ये सारी चीजें तो हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ी ली है, तो अब हम उसके आगे समझेंगे। आज हम किसके बारे में समझेंगे? आज हम समझेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। अब ये परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? तो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो सेल होती है, जैसे हमने जाना कि वो लगातार डिवाइड करती रहती है, लेकिन जब एक स्टेज आती है कि वो सेल्स जो होती है वो डिवाइड करना बंद कर देती है, ठीक है। तो वो वाली स्टेज जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की सेल डिवाइड करना बंद कर देती है और वो एक डेफिनेट शेप और स्ट्रक्चर को, तो जो सेल्स हैं वो उनमें क्या होता है, एक डेफिनेट शेप और स्ट्रक्चर आ जाता है, क्लियर। और वो फिर एक डेफिनेट फंक्शन को परफॉर्म भी करने लगती है, तो उन सेल्स को हम फिर क्या कहते हैं, परमानेंट सेल्स। तो परमानेंट सेल्स कैसे बनी, परमानेंट टिश्यू कैसे बना? परमानेंट टिश्यू बना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, और इस प्रोसेस का नाम क्या है, इस प्रोसेस का नाम है डिफरेंशिएशन। क्या नाम है इसका? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन में जो सेल्स होती है जो पहले डिवाइड कर रही होती है लगातार, वो क्या करती है, वो अब डिवाइड करना बंद कर देती है ना, अब वो ग्रो करना बंद कर देती है और उनमें एक डेफिनेट शेप स्ट्रक्चर आ जाता है और वो एक तरीके का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। तो परमानेंट टिश्यू कैसे बना, परमानेंट टिश्यू बना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिफरेंशिएशन के बात, क्लियर। तो ये तो हो गई परमानेंट टिश्यू की बात। अब परमानेंट टिश्यू को भी हमने फर्दर डिवाइड किया, वो किसमें किया, सिंपल परमानेंट टिश्यू में और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, क्लियर। अब ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, अब सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है कि जो इनकी सेल्स होती है सिंपल परमानेंट टिश्यू की, वो सब एक जैसी होती है, मतलब उनका शेप, उनका स्ट्रक्चर, उनका ओरिजिन सब एक जैसा है, ठीक, और वो एक ही तरीके के फंक्शन को परफॉर्म करती है। तो ये तो हो गई सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम फर्दर डिवाइड करते हैं, और वो किसमें करते हैं, वो करते हैं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा में, ठीक है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू को हमने किसमें डिवाइड किया, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा में, ये आपको याद रखना है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हमने किसमें डिवाइड किया, जाइलम और फ्लोएम में। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है इसके बारे में अपने नेक्स्ट क्लासेस में, आगे आने वाली क्लासेस में समझेंगे। तो आज की क्लास में हम क्या समझेंगे, तो आज की क्लास में हम सिर्फ पैरेन्काइमा के बारे में समझेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो ये जो वीडियो है ये बहुत लंबा हो जाएगा, क्लियर। तो आज की क्लास में हम सिर्फ पैरेन्काइमा के बारे में समझेंगे। अब ये पैरेन्काइमा क्या है, अब जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि सिंपल परमानेंट टिश्यू को हमने क्या किया, डिवाइड किया पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा में। तो पैरेन्काइमा क्या हुआ, पैरेन्काइमा जो है वो हुआ सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। हाँ, अब पैरेन्काइमा टिश्यूज होते कैसे,
जैसे मैंने आपको ये देखो ये डायग्राम दिख रहा है पैरेन्काइमा टिश्यू का। तो पैरेन्काइमा टिश्यू में सबसे पहले जो उनकी सेल्स होती है वो कैसी होती है उसको समझना पड़ेगा हमको, उसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो वो कैसी होती है, जो पैरेन्काइमा की सेल होती है वो ओवल भी हो सकती है, वो सर्कुलर भी हो सकती है, वो क्या होती है आइसोडायमेट्रिकल भी हो सकती है और वो पॉलीगोनल भी हो सकती है, इलोंगेटेड भी हो सकती है। तो जो पैरेन्काइमा की सेल होती है वो इस टाइप की हो सकती है, ओवल, इलोंगेटेड और पॉलीगोनल और आइसोडायमेट्रिक, इस टाइप का इसका शेप होता है। क्लियर, जैसा आपको दिख रहा है, देखो दिख रहा है ना ये पैरेन्काइमा सेल। अब इसमें और क्या चीज होती है, तो पैरेन्काइमा सेल, जैसे ये मान लो ये पैरेन्काइमा की सेल है, तो इसके चारों तरफ जो सेल वॉल होगी वो क्या होगी, वो बहुत थिन होती है। तो पैरेन्काइमा की सेल क्या हो गई, वो बहुत थिन होती है और वो किससे बनी होती है, वो बनी होती है सेल्युलोज या हेमी सेल्युलोज से। क्लियर, और ये जो पैरेन्काइमा सेल होती है वो लिविंग सेल्स होती है, ये आप याद रखना कि पैरेन्काइमा सेल्स जो होती है वो लिविंग सेल्स होती है। तो हमने क्या पढ़ लिया अभी तक कि पैरेन्काइमा की सेल्स लिविंग सेल्स होती हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत थिन होती है और किससे बनी होती है सेल्युलोज या हेमी सेल्युलोज से, और जो इनका शेप होता है वो ओवल भी हो सकता है, इलोंगेटेड भी हो सकता है और पॉलीगोनल भी हो सकता है, आइसोडायमेट्रिक भी हो सकता है। क्लियर, तो ये तो हमने कुछ समझा इसके शेप के बारे में। अब आगे, अब ये जो पैरेन्काइमा की सेल्स होती है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो ये सेल्स दिख रही है आपको, इनके बीच बीच में आपको क्या दिख रहा है, स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस है ना, छोटा छोटा स्पेस आपको दिख रहा है। तो ये स्पेस क्या कहलाता है, ये स्पेस कहलाता है इंटरसेलुलर स्पेस। तो दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो क्या कहलाता है, इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, तो जो पैरेन्काइमा की सेल्स होती है उनमें इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है। क्लियर, तो अब ये तो हमने समझ लिया कुछ बातें इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और है, जो पैरेन्काइमा की सेल होती है इसके बीच में क्या होता है, छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, ऐसे ऐसे वैक्यूल्स होते हैं। आपको पता है ना कि अगर सेल का स्ट्रक्चर बनाएं तो उसके अंदर वैक्यूल्स, अपने सेल के स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, अपने सेल के स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि सेल के बीच में वैक्यूल्स भी होते हैं प्लांट सेल के बीच में। ठीक है, तो ये जो पैरेन्काइमा सेल है इसके बीच में क्या होते हैं, छोटे छोटे से वैक्यूल्स होते हैं जब ये यंग होती है। ठीक, और जैसे जैसे ये मैच्योर हो जाती है पैरेन्काइमा सेल, तो ये जो वैक्यूल्स हैं ये आपस में मिलके एक बड़ा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बना लेते हैं। ठीक, तो जब ये मैच्योर होगी पैरेन्काइमा की सेल, तो ये छोटे छोटे वैक्यूल्स आपस में मिलके एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बना लेते हैं। और इसका क्या काम है, इसको हम आगे समझेंगे कि इसका काम क्या है। क्लियर, तो हमने अब ये समझा। हाँ, यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर क्या है कि जो पैरेन्काइमा की सेल है, ठीक है, पैरेन्काइमा टिश्यूज की जो सेल है वो आपस में किससे जुड़ के बनते हैं, जो पैरेन्काइमा टिश्यू है उनकी सेल्स जो होती है वो आपस में जुड़ती है, और वो किस चीज से जुड़ती है, वो जुड़ती है प्लाज्मोडेस्माटा। क्या नाम हुआ इसका, प्लाज्मोडेस्माटा। तो इससे जुड़ के जो ये पैरेन्काइमा की सेल होती है वो आपस में मिलकर टिश्यू बनाती है। क्लियर, तो ये हो गया पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर। तो अब तो आपको पैरेन्काइमा के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया है ना, आ गया ना समझ में कि पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और पैरेन्काइमा होता क्या है। तो पैरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। ठीक, अब हम समझेंगे कि ये जो पैरेन्काइमा है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो पैरेन्काइमा जो है वो पूरे प्लांट में ही पाया जाता है और ये ग्राउंड टिश्यू बनाता है, ठीक है, प्लांट का। और इसमें क्या होता है, वस्कुलर बंडल्स जो होते हैं, वस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, अब ये जो पैरेन्काइमा है ये जैसे मैंने बताया कि पूरे प्लांट में ही पाया जाता है, और कुछ एग्जाम्पल इसके क्या है, जैसे ये लीफ के मेसोफिल में पाया जाता है। मेसोफिल मतलब क्या हुआ कि लीफ का इनर एरिया जो होता है उसे हम मेसोफिल कहते हैं। तो ये लीफ में पाया जाता है, और ये स्टेम और रूट के कॉर्टेक्स और पिथ में पाया जाता है। कॉर्टेक्स और पिथ का क्या मतलब हुआ, कॉर्टेक्स का मतलब हुआ आउटर लेयर ऑफ स्टेम और रूट, और पिथ मतलब जो सबसे इनर लेयर होती है स्टेम और रूट की। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है सीड के एंडोस्पर्म में, और ये आउटर लेयर में भी पाया जाता है प्लांट की। तो इस तरीके से बहुत सारी जगह पर ये पाया जाता है। क्लियर, अब हम समझेंगे पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या है, मतलब पैरेन्काइमा क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो पैरेन्काइमा क्या करता है, पैरेन्काइमा सिक्रीशन में हेल्प करता है, पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, पैरेन्काइमा स्टोरेज में हेल्प करता है, पैरेन्काइमा ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, पैरेन्काइमा रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो ऐसा बहुत सारे काम है जो कि पैरेन्काइमा करता है।
तो इसको हम वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्टोरेज। तो पैरेंकाइमा क्या करता है, स्टोरेज में हेल्प करता है। वो कैसे करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि पैरेंकाइमा में क्या होती है, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है। तो ये जो वैक्यूल होती है इसके अंदर क्या होता है, वाटर स्टोर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर वाटर स्टोर होता है। इसके अलावा पैरेंकाइमा में जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी सेल्स होती है और इनके बीच में क्या क्या है, इंटर सेलुलर स्पेस है। तो ये जो स्पेस है इंटर सेलुलर स्पेस, इसमें क्या स्टोर होता है, इसमें वाटर स्टोर होता है, ऑयल स्टोर होता है, और इसमें ये जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट है वो स्टोर होते हैं, जैसे टैनिन, गम, क्रिस्टल्स, ये सब इसमें स्टोर होता है। और क्या होता है, और इसमें एर्गास्टिक सब्सटेंसेस भी स्टोर होते हैं। तो ये क्या है एर्गास्टिक सब्सटेंसेस, तो एर्गास्टिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्लांट के मेटाबॉलिज्म के बाद, है ना, जब प्लांट मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर लेता है, जैसे फोटोसिंथेसिस कर लेता है, तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं जैसे स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर स्टोर होती है। क्लियर? तो इसका मेनली बेसिक फंक्शन क्या हो गया पैरेंकाइमा का, स्टोरेज का। क्लियर? अब प्लांट और क्या करता है, और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। कौन? पैरेंकाइमा। वो कैसे हेल्प करता है, अब बहुत सारे पैरेंकाइमा सेल्स में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। आपको पता है ना क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो बहुत सारे पैरेंकाइमा सेल के अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, तो वो क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो वैसे पैरेंकाइमा सेल को हम क्या कहते हैं, क्लोरेनकाइमा। तो ये जो क्लोरेनकाइमा है ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा और इससे प्लांट अपना खाना बनाएंगे। क्लियर? इसी तरीके से एक होता है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा क्या हो गया कि जैसे आपने ये जो इंटरसेलुलर स्पेस देखी है, इसके बीच में क्या होता है, बहुत ज्यादा एरेनकाइमा जहां पे होगा उसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस होगी वो बहुत ज्यादा होगी, बहुत बड़ी बड़ी होगी। यहाँ पे तो आपको क्लोज बहुत थोड़ी थोड़ी दिख रही है, लेकिन जो एरेनकाइमा जिन प्लांट्स में होगा उनमें जो ये स्पेस है वो बहुत ज्यादा होगी, और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एयर होगी। ठीक? और वो कौन से प्लांट्स होंगे जिनमें एरेनकाइमा होगा, वो होंगे हाइड्रोफाइट्स। वो कौन से प्लांट होंगे, वो होंगे हाइड्रोफाइट्स, मतलब वो प्लांट जो कि वाटर में होते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। क्लियर? तो उसमें क्या होगा, उसमें एरेनकाइमा होगा। और उसमें क्यों होगा एरेनकाइमा बताओ? उसमें इसलिए होगा कि ये जो प्लांट है वो आराम से वाटर में फ्लोट कर सके। जैसे वाटर लिली, आपने देखा है ना वाटर लिली, वहां क्या है, पानी में वो फ्लोट करता है, नीचे नहीं डूबता है। तो ये जो वाटर लिली है वो क्यों नहीं डूबता है, क्योंकि इनके जो सेल्स के अंदर होता है वो क्या होता है, वो उसके अंदर एयर होती है, और जिसकी वजह से ये जो प्लांट है वो वाटर पे फ्लोट करते हैं और नीचे नहीं डूबते। तो ये तो हो गया एरेनकाइमा का काम। तो क्या हो गया, पैरेंकाइमा हमने कैसे समझी, पैरेंकाइमा को हमने समझा कि वो क्लोरेनकाइमा भी हो सकती है, वो एरेनकाइमा भी हो सकती है। क्लोरेनकाइमा में क्या होगा, उसमें होगा क्लोरोप्लास्ट, और एरेनकाइमा में क्या होगा, उसके अंदर एयर होगी। और ये जो पैरेंकाइमा है ये रेडियल ट्रांसपोर्ट, जो वाटर का रेडियल ट्रांसपोर्ट होता है उसमें भी हेल्प करता है, वाटर और सॉल्यूट का। तो ये भी इसका काम हो गया। दूसरा ये है कि ये जो पैरेंकाइमा है इसके अंदर वाटर है, इसके वैक्यूल के अंदर वाटर है, तो ये क्या करता है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है प्लांट को। प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मतलब प्लांट को ताकत देता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जो इसकी हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी है उसकी वजह से ये प्लांट को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। तो ये तो हो गए कुछ फंक्शन पैरेंकाइमा के। क्लियर? तो अब जिन प्लांट्स में सिक्रीशन होता है, ठीक है, जो सिक्रेटरी प्लांट होते हैं, मतलब जिनमें सिक्रीशन होता है, तो उनकी जो पैरेंकाइमा की सेल्स होती है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर राइबोसोम्स, गॉल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो जब आपने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो उसमें आपने तो ये सारी बातें समझी होंगी कि क्या होता है राइबोसोम, या क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या क्या है गॉल्जी बॉडी, है ना। तो ये सारी बातें तो आपने समझी होंगी। तो जिन प्लांट्स में सिक्रीशन होता है उनकी जो पैरेंकाइमा की सेल्स होती है उनमें ये सारे ऑर्गेनल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। तो अब मुझे लगता है कि मैंने पैरेंकाइमा के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, और परमानेंट टिश्यू के बारे में और सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में भी बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। लेकिन फिर भी आपके कोई प्रॉब्लम्स है या आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप क्या करोगे, आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ लोगे। और आपको क्या करना है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जिससे और बच्चे भी इसको देख सके, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास को देखना आप मत भूलना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें हम बहुत डिटेल में ये सारे टॉपिक को कवर करेंगे।
तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए क्लास में, तब तक के लिए बाय।